हाय गाइस, दिस इज विनीत राघव एंड आप देख रहे हैं राघव शो टिप्स एंड ट्रिक्स। बेसिकली आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको जियो के एक बिल्कुल ही नए प्लान से इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं। एंड ये जो प्लान है ना, ये बहुत ही सस्ता प्लान है। जैसे कि आपने इस वीडियो का थंबनेल देखा होगा, ये एक ऐसा प्लान है जियो की तरफ से जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ 11 रुपए के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। बट वही चीज है कि जियो ने कभी भी इसको आपके को बताया नहीं। वो इसलिए क्योंकि देखो, जियो ने अभी हाल फिलहाल में एक चीज़ इंट्रोड्यूस की। उन्होंने कहा कि हम स्पेक्ट्रम ऐसे यूज़ कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपका जो टेलीकॉम जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, नेटवर्क आपको जो प्रोवाइड कर रहे हैं जियो के, तो वो ऑटोमेटिकली ऐसे उठाएगा कि जिससे आपके फ़ोन की जो बैटरी होगी वो 30-40% कम यूज़ होगी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल यूजर्स के ऊपर। तो आप ये लगा लीजिए, वो ये सब चीज़ तो अपनी बहुत ज़्यादा बताते हैं, सुनाते हैं, बट वो कभी भी आपको ऐसे प्लान्स नहीं बताते जिसमें कि आपका रियलिटी में कोई बेनिफिट हो। एंड अभी हाल फिलहाल में जियो ने करा क्या है कि उन्होंने एक नया प्लान अपने कैटलॉग के अंदर ऐड कर दिया है। कैटलॉग से मेरा मतलब है कि प्लान लिस्ट के अंदर। एंड ये जो प्लान है, ये सिर्फ और सिर्फ आप 11 रुपए के अंदर अवेल कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपका कोई भी एग्जिस्टिंग प्लान अभी चल रहा होना चाहिए, जो कि आपका नॉर्मल प्लान हो। जैसे कि हम 249 का रिचार्ज कराते हैं, 349 का रिचार्ज कराते हैं, तो आपका कोई भी प्लान हो। एंड ये जो प्लान है, ये 4G प्लान है, तो आप 4G के अंदर 10 GB डेटा आप अवेल कर सकते हैं। एंड ये जो प्लान की वैलिडिटी है वो सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के लिए है। यानी कि अगर हम ये कहें कि सपोज आप कोई कॉन्टेंट क्रिएटर हैं, जिसमें कि आप कहीं मतलब आपको कंटेंट अपलोड करना है, आपने कोई वीडियो बनाई है, आपको कोई इमरजेंसी में कोई वीडियो बनानी है, आपको डेली अपलोड करते हैं, आपको कोई इमरजेंसी में कंटेंट निकालना है जिसमें आपका वाईफाई सडनली डाउन हो जाता है, तो आप इस प्लान का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि गाइस यार, कोई भी वीडियो 4-5 GB होती है मिनिमम, या फिर आप ये लगा लीजिए अगर कम भी है तो 2-3 GB की तो होगी, जिसको कि अपलोड करते करते अगर आप कैरियर के ऊपर अपलोड करेंगे, यानी कि जियो अपना डेटा यूज़ करके अपलोड करेंगे, तो आप ये 2-3 GB की वीडियो पे आपका अप्रॉक्सीमेट 5 GB चला जाता है। तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है ये प्लान। बाकी साथ ही साथ अगर हम ये बात करें कि अगर आप कोई प्रोफेशनल है, आपको कोई ऐसा कंटेंट शेयर करना पड़ता है अपनी कंपनी के रिगार्डिंग जिसमें कि आप इमरजेंसी केस के अंदर फंसे हुए हैं एंड आपको चाहिए बहुत ज़्यादा डेटा, एंड साथ ही साथ आपको थोड़ी देर का काम है लेकिन आपका काम बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, तो उसमें भी आप इस प्लान को यूज़ कर सकते हैं। बट वही है, जियो कभी आपको खुद से ये प्लान बताएगा नहीं। तो ये लगा लीजिए कि जो लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट चीज़ है ये। बट इसमें भी कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि ये प्लान काम करता है 4G के ऊपर, एंड 4G की कनेक्टिविटी आपके एरिया में कैसी आती है, मतलब कि उसका कवरेज आपके एरिया में कैसा है, ये उस पर भी डिपेंड करता है कि आप इस जो पैकेज जो आप रिचार्ज करा रहे हैं 11 रुपये के अंदर, आप इसको पूरी तरीके से यूज़ कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली ये उस पर भी डिपेंड करता है। एंड साथ ही साथ अगर ये बात करें कि यहाँ पे इन्होंने आपको अनलिमिटेड डेटा, मतलब बेसिकली देखो अनलिमिटेड जैसा, तो मैं यही बोलूँगा कि अनलिमिटेड कोई चीज़ नहीं होती। अगर फॉर एग्जांपल आपको जियो अनलिमिटेड 5G प्रोवाइड कर रहा है, तो 5G अनलिमिटेड आपको प्रोवाइड करने की कैपेसिटी है। वो आपको ये तो बता रहे हैं कि 5G अनलिमिटेड आपको दे रहे हैं, बट उसकी भी एक लिमिट है। जैसे फॉर एग्जांपल आप 100 Mbps पे आपका नेट आता है, आप 1 घंटे में उससे 50 GB, फॉर एग्जांपल मान लो 5 GB डाउनलोड कर पाते हैं, तो 1 घंटे में आप 5 GB डाउनलोड कर रहे हैं, 24 घंटे में आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो उसकी कैपेसिटी है, मतलब इतनी आप समझ रहे हैं मेरा पॉइंट क्या है कि उसकी एक मैक्सिमम कैपेसिटी है, इतने GB तक आप कर सकते हैं, इसके अलावा आप जाएगा ही नेट। तो वही तरीके से उन्होंने अनलिमिटेड बता दिया, तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि अनलिमिटेड नेट मिल रहा है। बेशक आप भले ही यूज़ करते हो 1-2 GB, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि अनलिमिटेड नेट पड़ा है, तो वही मन की एक शांति है, खुशी मिलती है लोगों को। तो इसी तरीके से ये वाला प्लान है, बट ये वाला प्लान वाकई में लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको एग्जिस्टिंग प्लान के ऊपर ऑलमोस्ट 10 GB डेटा, यार बहुत होता है। आप ये लगा लीजिए, एज एन कंटेंट क्रिएटर मेरे को डेली अपलोड्स करने पड़ते हैं, क्लाइंट्स की वीडियोस मुझे संभालनी पड़ती हैं, और भी बहुत सारे काम होते हैं जिसमें कि मुझे बहुत सारा नेट रिक्वायर्ड होता है। ऑलमोस्ट मेरे एरिया में मेरे वाईफाई नेटवर्क जो प्रोवाइडर हैं वो भी मुझसे बोलते हैं कि आपका बहुत ज़्यादा नेट यूज़ होता है, हमारे मतलब इतना एरिया में किसी का भी नहीं होता, तो वो भी मुझे बोलते हैं। मेरे प्लान्स काफ़ी सारे मैंने अपडेट कर रखे हैं। तो आप ये लगा लीजिए, उनके लिए ये प्लान एक वरदान से कम नहीं है जियो की तरफ से। बस शर्त यही है कि उनके यहाँ जियो की 4G कनेक्टिविटी कैसी आती है, जियो के नेटवर्क कैसे आते हैं, तभी आप इस प्लान को अवेल कर पाएंगे अच्छे से। तो गाइस, ये एक छोटी सी अपडेट जियो के रिगार्डिंग, जिसमें कि मैंने आपको ये बताया कि 11 रुपये के अंदर एक ऐसा प्लान जियो ने इंट्रोड्यूस किया है जिसमें कि आपको 1 घंटे के लिए 10 GB डेटा प्रोवाइड किया जाएगा, एंड आप उसको इजीली अवेल कर सकते हैं सिर्फ 11 रुपये देकर। और ये 1 घंटे के लिए होता है, अगर आपको दोबारा चाहिए तो आप दोबारा इसमें 11 रुपीज़ पे करके दोबारा से 10 GB की वैलिडिटी ले सकते हैं 1 घंटे के लिए नेक्स्ट। तो वो ये डिपेंड करता है कि आपका क्या यूज़ रहता है, क्या सीन रहता है, क्या सिनेरियो रहता है, कि आपको किस पर्पस के लिए चाहिए, कैसे चाहिए, तो आप इसको हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको जियो की छोटी सी अपडेट पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।